एक प्रश्न पूछा गया है जिस पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वही हमें धोखा क्यों देता है? जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है कि साथ निभाएगा, वही धोखा क्यों दे जाता है? सबसे पहली बात तो हमें जरूरत है विश्वास और धोखे के अर्थ को समझने की कि वास्तविकता में धोखे का अर्थ क्या है और विश्वास का अर्थ क्या है। धोखा हमेशा आपकी उम्मीदों को मिलता है। लोग कहते हैं कि हमने तो उसके बारे में न जाने क्या क्या सोचा था, हम तो भगवान मानते थे पर बदले में हमको धोखा मिला। हमने क्या सोचा और वो क्या निकला? सबसे पहली बात, धोखे का जो मुख्य कारण है वो है आपकी उम्मीदें। आप बिना सोचे समझे, बिना विचार किए किसी को भगवान भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, पर वो वास्तविकता नहीं होती। और जब हमारा वास्तविकता से परिचय होता है उस समय हमें ये लगता है कि हमें धोखा मिला। पर यदि हम समय रहते, समझ से, विवेक से उस इंसान को देख पाते, समझ पाते, तो हमें उसके बारे में पहले ही सब पता होता। हमें धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि हम अपने ही मन की भावनाओं से, कल्पनाओं से किसी के लिए अपने ही मन में उम्मीदें जगा लेते हैं, लेकिन जब उस इंसान का असली चेहरा सामने आता है तो हमें ये लगता है कि उस इंसान ने हमें धोखा दिया है। कई बार लोग दूसरों पे इतना विश्वास कर लेते हैं और उसी से पूछते हैं कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई व्यक्ति किसी कपड़े की दुकान पे जाए और दुकानदार से जाके पूछे कि ये कपड़े मेरे पे अच्छे लग रहे हैं ना, तो दुकानदार कहेगा कि हाँ ये कपड़े आप पे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से आप ये पूछोगे कि आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं आपको धोखा दूंगा। कोई भी क्यों कहेगा? तो धोखा उन उम्मीदों को मिलता है जो हम दूसरों से रखते हैं। हम ही मौका देते हैं दूसरे को धोखा देने का। हम खुद को दूसरे पे इतना डिपेंड कर लेते हैं, उस पे हद से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं कि उसके हर झूठ को भी हम सच मान लेते हैं। हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि आज के युग में सच बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, और उसका कारण यह है कि सच सुनने वाले लोग भी आजकल नहीं हैं। लोगों को बुरा ना लगे इसीलिए लोग झूठ भी बोलते हैं। तो हमें इन बातों को समझना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और अपनी समझ और विवेक से काम लेना होगा। हर कही सुनी बात को सच मान के न बैठ जाएं, मन में काल्पनिक उम्मीदें न लगाएं। इसी वजह से हमारा दिल टूटता है और इसी वजह से हमें धोखा मिलता है, क्योंकि हम किसी की भी बातों को सच मान के बैठ जाते हैं कि अगला कह रहा है कि वो हमारा साथ निभाएगा, वो हमसे प्रेम करता है, हम उसके लिए बहुत खास हैं। अरे आजकल हर कोई एक दूसरे से यही कह रहा है। कौन सी दुनिया में हैं आप? कोई किसी से कहता है क्या कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? कोई नहीं कहता। हर कोई यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ निभाऊंगा। हर कोई यही कहता है कि मेरा प्रेम सच्चा है। कौन कहेगा मेरा प्रेम झूठा है? लेकिन हमसे ये भूल हो जाती है कि हम उन झूठी बातों को सच मान के बैठ जाते हैं। एक राजा था, उसके दरबार में एक बहुत सुंदर गवैया था। उसकी आवाज ऐसी थी जो रूह को छू जाए, जो आत्मा को छू जाए। उसका नाम था घनानंद, लेकिन उसका प्रेम राजा की ही एक सेविका सुजान से था। वो सिर्फ उसके प्रेम में ही गाता था, पर सारे राज्य में उसकी आवाज की तारीफ होती थी। एक बार राजा के यहाँ किसी और देश से विशेष अतिथि आने वाले थे, तो राजा ने घनानंद को बुलाया और उससे कहा कि कुछ विशेष अतिथि आने वाले हैं, तुम उनके लिए गीत गाना। तो घनानंद ने बोला, महाराज मुझे क्षमा करें, मेरा प्रेम सिर्फ सुजान से है और मैं सिर्फ उसके लिए ही गीत गाता हूँ, मैं किसी और के लिए गीत नहीं गा पाऊंगा। और ये कह के वो चला गया। राजा को उसकी बात से बहुत गुस्सा आया। राजा ने बोला कि इसने मुझे मना कर दिया। वजीर ने बोला, महाराज आप चिंता मत करो, ये जिस सुजान से प्रेम करता है वो आपकी ही नर्तकी है, आपकी ही सेविका है, अगर वो इससे कह देगी तो ये जरूर गाएगा। तो राजा ने बोला, ठीक है तुम जाके उस नर्तकी से कहो कि घनानंद को गाने के लिए कहे, बदले में उसे जो पुरस्कार चाहिए हम देंगे। वजीर ने सुजान से कहा और सुजान ने घनानंद से आके कहा, क्या तुम मेरे लिए गीत गाओगे? तो घनानंद ने कहा कि हाँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। सुजान ने कहा कि मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ,
कल राजा के दरबार में तुम गीत जरूर गाना। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब वो अतिथि आए तो घनानंद ने सुजान के कहने पर उस सभा में गीत गाए। वो अतिथि बहुत खुश हो गए। जब वो अतिथि वापस चले गए तो राजा ने घनानंद को बुलाया और उससे कहा कि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी और एक साधारण सी नर्तकी का कहना मान लिया। वैसे तो मेरा मन तुम्हें सजा देने को कर रहा है, पर तुम इतने गुणी हो तो मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ। तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। घनानंद ने कहा, जो आज्ञा महाराज। घनानंद सुजान के पास आया, बोला कि राजा ने हमें निकलने की आज्ञा दी है। तुम भी अपना सामान पैक कर लो, हम साथ में ही कहीं दूर निकल चलते हैं। तो सुजान ने बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरे ऊपर राजा बहुत प्रसन्न है, मैं ऐसी नौकरी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। घनानंद ने सुजान से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे ही कहने पे मैंने गीत गाया, उसी की वजह से मुझे ये सजा मिली है। तो सुजान ने कहा कि तुमने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुजान की इस बात को सुनकर घनानंद का दिल ही टूट गया कि जिसे मैंने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा बढ़कर प्यार किया, आज वो ही बदल गई, आज उसी ने ही धोखा दे दिया, आज उसी ने ही साथ छोड़ दिया। वास्तविकता में धोखा हमारी उम्मीदें देती हैं, जो हम दूसरों से लगा के बैठ जाते हैं कि ये हमारा साथ देगा, ये हमारे साथ प्रेम निभाएगा। कौन निभाता है प्रेम, कौन देता है साथ? कब हम समझेंगे इन बातों को कि इंसान का मन हर थोड़ी देर में बदलता रहता है। इंसान का मन भी बदलता है, इंसान की भावनाएं भी बदलती है और इंसान का प्रेम भी बदल जाता है। प्रेम कब घृणा बन जाता है पता ही नहीं चलता। हम इन बातों को समझ नहीं पाते और इन अस्थाई टेम्पररी इमोशंस को परमानेंट समझ के बैठ जाते हैं और इसी वजह से हमारा दिल टूट जाता है। जो इंसान हमारे विश्वास को डिजर्व ही नहीं करता, जो हमारे विश्वास के योग्य ही नहीं होता, उस पे जब हम हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं तो धोखा तो मिलेगा ही ना। इस दुनिया में आपको जीना है तो आंख और कान खोलकर जियो, हर बात को समझकर जानकर जियो। हम विश्वास का भी सही अर्थ समझ नहीं पाते, इसीलिए धोखा मिलता है। विश्वास का अर्थ होता है खुद पर यकीन। विश्वास का अर्थ होता है एक पॉजिटिव सोच अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। विश्वास को औरों के कंधे पे नहीं लादा जा सकता। जिस दिन विश्वास को हम दूसरों के कंधों से उठाकर अपने कंधों पे उठा लेंगे, अपनी जिंदगी के हर कार्य में विश्वास को जगा लेंगे, तो हमें कोई धोखा नहीं दे पाएगा। हम हर जंग से जीत जाएंगे। यदि इन छोटी छोटी बातों को समझ जाएं तो हमें कोई धोखा दे ही नहीं सकता।